हेलो दोस्तों, टीएस विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू और पटल की सब्जी। आप सब देखिए हम लोग देसी तरीका से किस तरह बनाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। तो ओके, ठीक है, हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके दोस्तों हमने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं, जो कि हमने छोटे छोटे मीडियम पीस में काट लिए हैं, और 11 से 12 पीस पटल लिए हैं, जो कि हमने सही साइज के काट लिए हैं, और बीच के फाड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं ताकि मसाला अंदर आसानी से जा सके। दोस्तों पटल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, और आलू को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है। जाते हैं आगे प्रोसेस में। देखिए दोस्तों, यह अदरक, लहसुन, प्याज, यह टमाटर जो कि हमने रफली काट लिया है। तो देखिए फिर गर्म हो चुका है, हमने जल्दी इसमें अदरक, ये लहसुन। तो दोस्तों इसको हमने मीडियम ही पकाना है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों अब डालेंगे प्याज। दोस्तों हमने प्याज डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर पकने दें। देखते हमने डाल दिया है टमाटर। इसको चला लेते हैं। दोस्तों अब इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। देखिए दोस्तों हमने ढक्कन खोल लिया है, और ये पक चुका है। अब देख सकते हैं, अब इसको नीचे उतार देंगे, नीचे उतार देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब तक हम दूसरे प्रोसेस में जाएंगे। देखिए ये गर्म हो चुका है, हमने डाल दिया है पटल, हम इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों ये पटल हमारा सही हो गया है, अब देख सकते हैं, और हमारा आलू भी सही हो गया है। तो देखिए अब आगे प्रोसेस में जाते हैं। देखिए जो ठंडा होने के लिए रखे थे वो ठंडा हो चुका है, अब इसको ग्राइंडिंग करेंगे। हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, पेस्ट हो गया है रेडी। अब आगे प्रोसेस में जाएंगे सब्जी बनाने के। तेल गर्म हो चुका है, हमने एक लाल मिर्च डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे मिक्स मसाला पेस्ट जो हमने पहले से ग्राइंडिंग करके रखे थे। थोड़ी सी इसको भूज लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हम ग्राइंडिंग करके रखे हैं। हमने इसमें
चलो हल्दी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जो ग्राइंडिंग किए हुए पेस्ट, इसको देखो हम इसमें पेस्ट डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू। इसको देखते इसे कलरफुल दिख रहा है। हमने अच्छे से मिला दिया है, अब डाल दिया है नमक। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पानी, इसको हम डालेंगे ढक्कन। इसको ढक्कन हमने खोल दिया है। दोस्तों देखिए सब्जी हमारा रेडी होने वाला है। अब इसमें डालेंगे पत्ता भी, तो दोस्तों हमारा सब्जी किस तरह बन रहा है इसको हम लगा देंगे ढक्कन। इसको हमने ढक्कन खोल लिया है और हमारा सब्जी एकदम पक्का पक चुका है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमारा सब्जी रेडी हो गया है। अब इसे हम नीचे उतार देंगे और अब आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ऐसा दिखते हैं। दोस्तों हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।